कर रहे हैं हम पवन आपका, आपके पीछे गहमा गहमी बढ़ गई है। किसानों ने साफ कर दिया है कि अब ये और तेज होगा, व्यापक होगा। अब जयपुर दिल्ली से जो हाईवे है, उत्तर प्रदेश दिल्ली को जो जोड़ रहा है, वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिस तरीके से सिरे से खारिज कर दिया गया है किसानों की तरफ से सरकार का प्रस्ताव, तो कहीं ना कहीं गहमा गहमी बढ़ रही है, चर्चा लगातार चल रही है किसानों के बीच, और यही कोशिश हो रही है कि क्या रणनीति अगली बनाई जाए, क्योंकि रणनीति पूरी तरीके से तय है। बात करने की भी हम कोशिश करेंगे और किसानों के पास भी पहुंचेंगे और इन्हें पूछेंगे कि क्या है इनका अब आगे का जो निर्णय होगा, आगे किस तरीके से ये जो है आगे बैठेंगे। किसानों ने, भाई साहब, किसानों ने सरकार की सभी प्रस्ताव को इनकार कर दिया है और 12 तारीख को मेरठ दिल्ली हाईवे जाम करने की बात है, 14 को बड़ा आंदोलन। क्या कहेंगे आप लोग? देखो, हमें कोई शौक भी नहीं है कि भाई जनता दुखी हो। कल वाले उसमें भी बहुत देखा कि भाई स्थिति विकट रही, जनता परेशान है, तो सरकार को चाहिए कि हट धर्मिता छोड़ के और इसको प्रेस्टीज का ही सुना बनावे। ये जब 2014 में अगर सरकार लड़ने का काम करा तो इन्होंने ही किसानों ने लागा के किया है। 2019 में भी सबसे बड़ा योगदान इनका है, तो इनकी बातों को सुने और इस हट धर्मिता को छोड़ के इसको एक तो इशू ना बनावे कि भाई ये विपक्ष का विपक्ष इसमें बीच में आ गया। विपक्ष नहीं, खुले आसमान के नीचे कोई विपक्ष नहीं लेट रहा, विपक्ष खुले आसमान के नीचे किसान लेट रहा है। इसको जो है विपक्ष क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे भी बंद हो रहा है और 14 को बड़ा ऐलान है आंदोलन को बड़ा करने की, तो आप लोगों ने क्या ठान रखा है? देखो, जब सबसे पहले जब ये कानून बने थे तो सरकार ने अपने विधायक और सांसद जनता के बीच में भेजे थे कि समझा कहो कि ये इतना फायदेमंद है, इतना नुकसानदेह है या कैसे भी है, तो जनता जो है उनसे भी पूछना काम कर ले कि भाई आप गए थे, आपको क्या लगा, भाई आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं या निगेटिव मिले, वो भाई सांसद विधायकों से भी तो पूछने का काम कर लेगा यहाँ का जनता। बिल्कुल, यहाँ की रणनीति के बारे में बात करें दादा, डटे रहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, डटे रहेंगे यहीं पे, आराम से शांतिपूर्वक डटे रहेंगे। हाँ, इतने नहीं जाएंगे, इतने हमारा कोई निर्णय स्पष्ट नहीं होने का। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों का साफ कहना है डटे रहेंगे आप लोग? बिल्कुल डटे रहेंगे जी, जब लोग चाहे तो कानून रद्द हो या हम मरेंगे। तो कहीं ना कहीं आंदोलन को और भी तेज करने की बात हो गई है, जिस तरीके से किसानों को जो प्रस्ताव भेजे गए थे वो पूरी तरीके से किसानों ने खारिज कर दिए हैं और अब कहा है कि आंदोलन को और तेज बनाएंगे और गति देंगे ताकि इस तरीके की जो इनकी डिमांड्स है, जिस तरीके का बिल है, संशोधन चाहते थे पहले, अब पूरी तरीके से खारिज करने की मांग है किसानों की। किसानों ने कहा है कि चाहे महीनों यहीं रहना पड़े लेकिन हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। आप देखिए कि यहाँ जितने भी किसान बैठे हैं, विचार विमर्श भी हो रहा है और साथ साथ बातचीत भी हो रही है, अगली रणनीति पर चर्चा भी हो रही है, क्योंकि अब किसानों के मुताबिक ये जो लड़ाई है ये आर पार की लड़ाई है कहीं ना कहीं, और अपने हक की लड़ाई है, और इस हक की लड़ाई में अपने लिए जो कानून है उसे कहीं ना कहीं बदलवा कर ही रहेंगे। लेकिन पहले किसान बिल्कुल रामलीला मैदान जाएंगे यहाँ से खाली करके, और अब रणनीति बदल गई है। अब देश भर में तो होगा प्रदर्शन, लेकिन हाईवे को जाम करने की रणनीति है, तो ये बदलाव क्यों आया? एकाएक बदलाव का कारण क्या हो सकता है? क्या जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा उससे किसान संगठन और नाराज हो गए, क्योंकि वो सिर्फ कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं? अब मांग बढ़ती जा रही है और बदलती भी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सभी लोग बैठे हैं तो मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, सभी से बात करता हूँ। पहले आप लोग रामलीला मैदान जाने के आप लोग की बात हो रही थी, फिर अब हाईवे जाम करने की बात हो रही है, आंदोलन को बड़ा करने की बात हो रही है, तो क्या रणनीति में कोई बदलाव लाया गया है? देखो, 35 साल से अगर भारतीय किसान आंदोलन कर रही तो वो जंतर मंतर रामलीला मैदान पे ही होते हैं, वोट क्लब पर आंदोलन होते रहे हैं, तो जनता को भी जो है वहीं भेज देना चाहिए। सड़क पर क्यों जो है जनता को वो परेशान कर रहे हैं, सब किसानों को वहीं भेज दें, वहीं अपना। लेकिन अभी सभी किसान संगठन कह रहे हैं कि वो हाईवेज को अब जाम करेंगे, तो क्या ये रणनीति का अगला चरण है? ये जाने दें ना, ये जाने दें, सब वहीं चले जाएंगे, जंतर मंतर पे और रामलीला मैदान में चले जाएंगे, सबको वहीं भेज दें। बिल्कुल, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब शुरुआती तौर पर इन्होंने जाने की मांग की थी तब इन्हें जाने नहीं दिया गया था, इसीलिए अब ये जहां डटे हैं वहीं डटे रहेंगे और आंदोलन को और भी उग्र और तेज बनाते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये तस्वीर हमें लगातार दिखती है पवन, किसानों के आंदोलन की। 14 दिन से हम इन्हें देख रहे हैं और पहले से भी हर खबर बताई जा रही है, लेकिन 14 दिनों तक छठे दौर की बातचीत पहले रद्द होती है और उसके बाद एक प्रस्ताव आता है लेकिन उसे भी खारिज कर दिया जाता है। अगर हम प्रस्ताव को देखें पवन, प्रस्ताव में था सरकार लिखित में आश्वासन देने को तैयार है MSP को लेकर, फिर किसान क्यों इस पर नहीं अपना जो पक्ष है
वो बता पा रहे हैं। उनका कहना है नहीं सिर्फ कानून वापस होना चाहिए। बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है। एक बार फिर किसानों से ही उनकी राय लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। दादा सरकार कहती है कि हम MSP पर और कानून पर अपनी राय लिख कर देना चाहते हैं और अब किसान कहते हैं कि उनको कानून पूरी तरीके से रद्द करना है। ये क्या इस तरीके का निर्णय अब जो बदला है या ये नई रणनीति की एक नई पहल है? तो ये तो ऐसी बात है, लिख के दे दो हमारा नेता जा रहा राकेश भाव जो करो बताओगा, हम तो उसके पीछे ही का डालूंगे सुधा माल लग रहे और हम ना बैठे यहाँ सड़कों को रोक कर, हम वहीं जाएंगे इंडिया गेट पे जहाँ हमारा धरने चले। लिख के देने को एक तरीके से सरकार कहती है कि हम लिख के देने को आश्वासन तैयार हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से किसान बिल का विरोध है कि बिल्कुल खारिज करिए, क्या कहना है? हाँ खारिज ही करें हम तो अनुसार। और लोगों से पूछते हैं दादा क्या अब खारिज करने की मांग बिल्कुल सामने आ गई है? देखो कानून बनना चाहिए हम भी कह रहे हैं जी, ठीक है जी, ये रद्द होकर एक बढ़िया सुंदर तरीके से किसानों की नुमाइंदगी में एक बढ़िया मजबूत एक कानून बने और कानून में किसान की भी नुमाइंदगी रहे, बिल्कुल तैयार है किसान जो है, लेकिन ये भाई संशोधन इसमें भी कर देंगे इसमें भी कर देंगे ये नहीं पहले, यानी अगर माना जाए तो क्या लिखित आश्वासन पर अब निर्णय नहीं लिया? नहीं नहीं ये नहीं, तो पहले रद्द हो, कानून रद्द होने चाहिए, कानून रद्द, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी, ऐसी क्या आपदा जो है देश में आ गई थी कि ऐसे कानून लाने की जरूरत पड़ेगी? ये तो खुली भंडारण की वो कर दी, भंडार भी जितना हो सकता है उतने तो बड़े बड़े उद्योगपति वे लोग भंडारण करेंगे, तो ये किसान के समझ में नहीं आ रहे कानून, इनको रद्द किया जाए। और हम भी चाह रहे हैं कानून बनना चाहिए, MSP का कानून बनना चाहिए, किसान की भी आमदनी जो है भी चाह रहे हैं, हम भी सहयोग करेंगे 2022 में, मोदी जी भी कह रहे हैं कि 2022 तक दुगुनियाई हो जाएगी, हम भी सहयोग करेंगे, कैसे होगी हमें भी पता है, लेकिन ये नहीं है कि बस दिल्ली वाले जैसे भी चाहेंगे वैसे करेंगे, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने सुना साफ तौर पर अब लिखित आश्वासन नहीं सीधे कानून को खारिज करने की मांग है और किसानों की नुमाइंदगी में नए कानून को बढ़ाने की, यानी नया कानून। आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की ओर से आंदोलन और तेज किए जाने के ऐलान के बीच।